हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल पढ़े थे ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीनोमियल पढ़े थे, और उनमें हम लोग ने क्या पढ़े थे कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं और पॉलीनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है ना। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे, बात समझ में बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इस लेक्चर में हम लोग अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। क्या है टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, बात समझ में? ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, अब अगर हम पॉलीनोमियल की बात कर रहे थे तो पॉलीनोमियल का ना कुछ जनरल फॉर्म ना, जनरल फॉर्म क्या था, पॉलीनोमियल दिखता कैसे था ना, पॉलीनोमियल हमें कैसे दिखता था बेटा, क्या दिखता था? पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव्स कहाँ तक था ऐसा, ये ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, है ना। तो ये जो आपको ना गंदी सी इक्वेशन जो दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन किसकी थी? पॉलीनोमियल की थी, बात समझ में आई है ना। आगे चलते हैं। तो ये पॉलीनोमियल है, हाँ ये पॉलीनोमियल था, हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किए थे। अब इसके टाइप्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल टाइप्स हो सकते हैं, बात समझ में। अब बच्चा क्या बोलता है, सर इसके टाइप्स हो सकते हैं? मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो सकते हैं इसके टाइप? हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इसमें ना दो चीज होती है इंपॉर्टेंट, क्या है ना, हम लोग डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं, हमने डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन पढ़े थे वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे ना एक चीज होती है डिग्री, मतलब पावर के बारे में भी क्या किया जा सकता था हम लोग डिस्कस। तो पॉलीनोमियल को दो टाइप में ना बेस्ड ऑन टर्म्स अगर हम काउंट करते हैं, इसके कितने टर्म हो जाएंगे, इसके टर्म्स हो जाएंगे एन प्लस वन टर्म ना। इस बात को अपन लिख लेते हैं, है ना, इस बात को अपन वापस से लिख लेते हैं हियर, है ना, हियर टोटल एन प्लस वन टर्म्स, कितने टर्म्स है? एन प्लस वन टर्म्स है, बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप काउंट कर लो, वन से लेकर एन तक एन हो जाएंगे, एक्स्ट्रा का ये टर्म आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? एन प्लस वन टर्म हो जाएंगे, बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो मैंने क्या बताया था, ये तो टर्म्स की बात होती है और डिग्री की बात होती है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल में भी कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहली बात आ जाएगी बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल में बेस्ड ऑन टर्म्स क्या हो जाएगा, है ना, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टर्म यानी टर्म के डिपेंड ना, यानी टर्म्स के आधार पे हम लोग ने क्या किए, पॉलीनोमियल के टाइप निकाले। अच्छा, किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलीनोमियल में कितने मिनिमम टर्म हो सकते हैं, बताओ, है ना। तो ना मिनिमम टर्म के बारे में सोचता है बच्चा, तो क्या बोलता है, सर एक ही टर्म हो सकता है ना, क्या हो सकता है, एक ही टर्म हो सकता है। और ये बात मुझे ना बहुत अच्छी लगी, और पता है इसके बारे में आप लोगों ने ना पहले पढ़े भी हो, तो अगर किसी पॉलीनोमियल का ना वन टर्म हो जाए, हैविंग वन टर्म, उस पॉलीनोमियल को ना आप पता है, आपको पता है क्या बोलते हैं उस पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल, क्या बोलते हैं, मोनोमियल, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या है, पॉलीनोमियल हैविंग वन टर्म, ओनली वन टर्म। जो पॉलीनोमियल के एक ही टर्म है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एग्जांपल लिख लेते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, टू, ऐसा मान लेते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, बस समझ में आई स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, आगे चलते हैं, सेकेंड देखते हैं, बस समझ में, सेकेंड है। अगर सर वन टर्म के बाद आएगा टू टर्म्स, वन के बाद क्या आएगा, टू टर्म आएंगे, तो टू टर्म वाले को भी कुछ ना कुछ कहा जाता है, हाँ, तो टू टर्म वाले को बोला जाता है बायनोमियल, क्या बोला जाता है, बायनोमियल, है ना, आप पढ़े हो, आप एलजेबी एक्सप्रेशन में क्लास 8 में पढ़े हो आप लोगों ने, है ना, बायनोमियल, है ना, बायनोमियल। इस बात को क्या बोलेंगे हम लोग, हैविंग, है ना, हैविंग टू टर्म्स, दोस पॉलीनोमियल व्हिच हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल, है ना, टू टर्म्स। अब ना इनके डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा भी नहीं रहा हूँ, है ना, कोई काम का ही नहीं है,
बस मुझे समझ में पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है ना। एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल उठा लेते हैं। तो एग्जांपल आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू ना, यहाँ एटीसी एड्रेस्टर लिख देते हैं। एग्जांपल आ जाएगा हमारे सामने इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। थर्ड है ना, थर्ड सर टू के बाद कितने टर्म्स आते हैं, थ्री टर्म आते हैं। तो थ्री टर्म वाले को भी कुछ कहा जाता होगा। हाँ बिल्कुल कहा जाता है ना, बिल्कुल कहा जाता है। और उन्हें कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल। आपने सुने हो ना, सुने हो आप लोगों ने, क्या बोला जाता है इसको, ट्राइनोमियल ना, ट्राइनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, अपने शब्दों में क्या बोलेंगे, हैविंग, है ना, हैविंग हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स। बात समझ में, है ना, थ्री टर्म। अच्छा थ्री टर्म, एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स्ट्रा, है ना, प्लस टू। तो ये थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे, ट्राइनोमियल हो जाएंगे। बात समझ में। अब ना ये जो टर्म्स है वो भी क्या होने चाहिए, अनलाइक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनलाइक। लाइक टर्म नहीं। अब कैसे, क्या होता है ना, कुछ बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो 2x प्लस 2 लिख देते हैं, 2x प्लस 2। सर ये तो टू टर्म है, ये तो बाइनोमियल होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल नहीं बेटा, ये दोनों लाइक टर्म है, इनका प्लस और एडिशन हो जाएगा तो ये एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाइनोमियल नहीं है, ये क्या है, मोनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इसका क्या है, एक ही टर्म है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा बोलता है सर ऐसा है, हाँ मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा है। बात समझ में, समझ में, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अच्छा सर अब अगर थ्री से ज्यादा टर्म हो जाए तो क्या होते हैं, तो ना क्या होता है ना, जब पॉलीनोमियल के टाइप्स बना रहे थे तो बेस ऑन टर्म है ना, बोले कि भाई कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं, n प्लस वन टर्म हो सकते हैं। सबके नाम नाम सबके ना सबकी नेमिंग करते करते थक जाएगा इंसान। तो क्या किया उन्होंने ना, वन टू थ्री तक ही नेम निकाला, बाकी ना वो बोला यार n प्लस वन तक, n प्लस वन टर्म तक मैं कब तक नेमिंग निकालते बैठूंगा। तो उन्हें कह दिया कि अगर मोर देन थ्री टर्म्स होंगे तो उन्हें नॉर्मल पॉलीनोमियल बोला जाएगा, है ना। अगर मान लो फाइव टर्म है, जैसे कि लेट बी पॉलीनोमियल हैविंग फाइव टर्म्स, देन दोस पॉलीनोमियल इज कॉल्ड पॉलीनोमियल हैविंग फाइव टर्म्स। बस इतना ही बोला जाएगा, वो पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल हैविंग फाइव टर्म्स, बस खत्म। इतना ही है ना, इतना ही है सर, इतना ही है, हाँ बिल्कुल इतना ही है। तो ना बेस ऑन, अरे कोई काम का भी नहीं है, बस नाम याद रखना चाहिए, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, खत्म। केल इतना ही ना, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है, और कोई इसको पूछता भी नहीं है। बस मैंने कभी एक हाथ दो क्वेश्चन आ गया, आपकी किस्मत खराब रही, पर ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा खेल किसका बेटा, पता है पूरा खेल किसका है ना, पूरा खेल जो है वो डिग्री का है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे ना डिग्री के बारे में जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ जो टर्म्स की बात होती है वो अनलाइक टर्म्स की बात होती है, लाइक टर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि लाइक टर्म्स जुड़ के एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। आगे चलते नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट जो आएगा अपने पास, और वो क्या है ना, वो क्या है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री। बात समझ में, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस पे भी क्या किया गया है, पॉलीनोमियल को क्लासिफाइड किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया। अच्छा सर पॉलीनोमियल को क्लासिफाइड किया गया है, अच्छा हाँ। तो ना पहली बात चलती है तो ना अब ये जो ना ये आपको दिख रही है ना, दिख रही है ये जो इक्वेशन, जो इक्वेशन दिख रही, गंदी सी इक्वेशन, ये बड़ी वाली पॉलीनोमियल की इक्वेशन, ये तो पॉलीनोमियल है ना। तो ये ना कैसी होती है पता है आपको, कैसी होती है, लचीली होती है, अर्थहॉर्म की तरह होती है। यानी एक बार आप ना काट भी दो, रबर की टाइप की होती है, आप उसको ना एक कट भी कर दो तो रबर रबर रहेगा। बस समझ, उसको और स्ट्रेच किया जा सकता है, फिर कट कर दो फिर स्ट्रेच किया जा सकता है, तो कभी खत्म नहीं होता ना, कभी खत्म नहीं होता। तो उस प्रकार से ना पॉलीनोमियल को हम कट करेंगे ना तो ये पॉलीनोमियल की पॉलीनोमियल ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कट करके इतना भाग फेंक दिया तो वो पॉलीनोमियल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या कर लो ना, पहले बात करते हैं, अगर यहाँ देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी बेटा, जीरो, है ना, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, जीरो। तो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं ना यहां से यहां तक एक कट लगा दूं और इसको वापस फेंक दूं तो ये जो आपको इक्वेशन बना मिलेगा ना, ये जो आपको दिखाई देगा उसको वापस बुला रहा हूं मैं, और लिख रहा हूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर ए जीरो एक्स टू दी पावर जीरो। बात समझ में, सबसे स्मॉलेस्ट पावर, इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या बेटा, जीरो है। तो इस टाइप के जो है ना, इस टाइप के पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं जीरो डिग्री पॉलीनोमियल। कौन सा पॉलीनोमियल बोलते हैं,
जीरो डिग्री पॉलीनोमियल, कौन सा पॉलीनोमियल बोलते हैं, जीरो डिग्री डिग्री पॉलीनोमियल। बात समझ में, समझ में। अब क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, अभी मैंने क्या बताया था, x टू द पावर जीरो को तो हम वन लिखेंगे, तो ना ये ए जीरो भी लिखा जाएगा, और ए जीरो ए वन ए टू, ये ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री क्या है, कॉन्स्टेंट है, कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट क्या थे, रियल थे, रियल मतलब कॉन्स्टेंट थे, तो ये सर कॉन्स्टेंट भी हो गया। मैं बोला हाँ ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट ही हो गया। बात समझ में, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसका दूसरा नाम भी लिखा जा सकता है। हाँ, तो लोग ना दुनिया वाले इसको जीरो डिग्री पॉलीनोमियल बोलते हैं, एंड कांस्टेंट पॉलीनोमियल भी बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल भी बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल भी बोला जाता है। अगर कभी भी कांस्टेंट पॉलीनोमियल की बात चल जाए तो वो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल है, और जीरो डिग्री पॉलीनोमियल के बारे में पता चल बोला जाए तो क्या है बेटा, कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। बात समझ में क्लियर हो गया, उम्मीद है कि आपको क्या आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। अब ना ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। तो ना क्या है ना, ये जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो, तो पॉलीनोमियल विच हैविंग डिग्री जीरो इज कॉल्ड जीरो डिग्री पॉलीनोमियल। ठीक है, देखो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेते हैं। अब सर आप कह रहे थे कि ये ना बिल्कुल लचीला, आप कहीं से भी कट कर लो, पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल ही रहेगा, है ना, पॉलीनोमियल का पॉलीनोमियल ही रहेगा। मैं बोला हाँ बिल्कुल रहेगा, आप ना यहां से कट मार दो, ठीक है, यहां से कट मार के उसको फेंक दो, कोई मतलब नहीं। तो आगे क्या आ गया हमारे पास, ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन। अब क्या है ना, इसको मैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, हमेशा क्या लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले बड़े डिग्री वाले टर्म को लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, पहले बड़े डिग्री वाले टर्म को लिखा जाता है। तो इस बात को मैं लिख लेता हूं, ए वन एक्स इन्हें रीअरेंज कर दिया, तो रीअरेंज कर दे, ए जीरो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो हाइएस्ट डिग्री कितनी है, हाइएस्ट पावर क्या है इसमें, और डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, वन है, वन है, और जिसकी डिग्री वन हो ना, पॉलीनोमियल विच हैविंग डिग्री वन, वन है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ होती है ना, हमने पढ़े थे डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दोस एक्सप्रेशन। बात समझ में, तो हियर हाईएस्ट डिग्री इज वन, तो ना इस बात को लिख लेंगे अपन, ना इस बात को बिल्कुल लिख लेंगे, इसको लिख लेना चाहिए था ना, इसको लिख लेना चाहिए था, हाँ, जीरो डिग्री पॉलीनोमियल ब्रैकेट में यहां लिख देते हैं, हैविंग जीरो डिग्री, है ना, जीरो, हैविंग जीरो डिग्री। बात समझ में क्लियर हो गया, हाँ अच्छा, ये ना इसको भी कोई नाम होगा, हाँ बिल्कुल नाम है, ठीक है, क्या नाम है इसका, है ना, वन डिग्री वाले को बोला जाता है लीनियर पॉलीनोमियल, क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलीनोमियल, है ना, लीनियर पॉलीनोमियल। बात समझ में, क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलीनोमियल। अच्छा इसके बारे में क्या बोला, क्या हम क्या कह सकते हैं ना, इसके बारे में क्या कह सकते हैं बताओ, ठीक है, इसके बारे में हम ये चीज कह सकते हैं कि लीनियर पॉलीनोमियल क्या है, हैविंग वन डिग्री, हैविंग वन डिग्री। बात समझ में, अब क्या है ना, ये ए जीरो ए वन ए टू लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक प्यारा सा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, p of x equal to a, है ना, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरो डिग्री पॉलीनोमियल। एंड अब क्या है ना, लोग इधर बनाएंगे तो p of x equal to ax plus b, ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल, क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलीनोमियल। बात समझ में, लीनियर पॉलीनोमियल आपको समझ में आ रहा होगा ना बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब क्या है ना, अब एक बच्चा ना अपने मन में क्वेश्चन उठाता है, अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सर आपने लीनियर पॉलीनोमियल समझ में आ गया मेरे को, ये सब कुछ समझ में आ गया, लीनियर आप बोल रहे हो जिसकी डिग्री वन है, ठीक है, तो मान लिए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल वो है जो कॉन्स्टेंट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर जिसकी डिग्री जीरो होती है वो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल भी है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, सर अगर हम जीरो की बात करें तो क्या होता है, बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि हम अगर जीरो के बारे में बात किए तो क्या होगा, जीरो क्या होगा, जीरो भी देख कॉन्स्टेंट है, जीरो भी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है क्या नहीं बेटा, है ना, जीरो भी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। अगर हम जीरो के बारे में बात करेंगे
तो क्या होगा आप ही बताओ। जीरो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, जीरो पॉलीनोमियल है या नहीं? मैं बोला हाँ बिल्कुल जीरो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल में जीरो तो आएगा ही आएगा। तो ना एक नोट आएगा ना, नोट आएगा, नोट अपन बहुत ही प्यार से लिखेंगे ना, बहुत ही प्यार से लिखेंगे जीरो। जीरो इज अ पॉलीनोमियल। जीरो तो पॉलीनोमियल है, पर क्या कोई इसकी डिग्री डिफाइन कर सकता है क्या? कोई क्या इसकी डिग्री डिफाइन कर सकता है क्या? देखो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल को तो हम क्या बोलते हैं, जीरो डिग्री पॉलीनोमियल है ना बिल्कुल, और जिसकी डिग्री वन हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, है ना। क्या इसकी डिग्री डिफाइन हो सकती है क्या? चलो डिफाइन करके देखते हैं, है ना। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, है ना, इसको हम तो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल बोला जा सकता है, जीरो डिग्री पॉलीनोमियल। जीरो इंटू एक्स टू दी पावर वन, जीरो इंटू एक्स टू दी पावर टू, ये तो जीरो ही है, ये जीरो के ही फॉर्म है, बात समझ में। ये तो भाई डिग्री बढ़ते जा रही है, तो अपन ना कोई एक बात देखो, इसको ज्यादा लीनियर भी बोल सकते थे हम लोग, क्या बोल सकते थे इसको, हम लीनियर भी बोल सकते थे, बट क्या है ना डिसाइड नहीं है। यानी जीरो ने तो अपनी डिग्री की वैल्यूज बोला, मार्केट में तो आया, मार्केट में आया जीरो, बोले भैया मेरे को तो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल दो, जीरो बोलता है मैं कौन सा डिग्री पॉलीनोमियल हूँ, मैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल तो हूँ, मतलब मैं तो पॉलीनोमियल तो हूँ पर कौन सा डिग्री पॉलीनोमियल हूँ, ऐसी बात चली। तो डिग्री जीरो वालों को बुलाया गया, भाई जीरो को बुला गया, देखो यार तुम्हें तो ऐसा लिख सकते थे, हाँ तुम चलो जीरो डिग्री पॉलीनोमियल में चले जाओ। तो नहीं, फिर क्या हुआ ना, फिर जीरो बोलता है मैं तो ऐसा भी लिखा जा सकता हूँ, तो लीनियर वाला होता है तो हमारे ग्रुप में आएगा, फिर पावर टू वाले भी बोलेंगे हमारे भी कोई नाम है ये तो हमारे ग्रुप में आएगा, फिर क्यूब वाला बोलेगा कि ये हमारे ग्रुप में, तो ऐसे ना एन पावर वाले भी क्या बोलेंगे कि ये क्या करो हमारे ग्रुप में, तो ना ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, ये क्या हो रहा था, डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि जीरो की डिग्री कौन से पॉलीनोमियल में आने वाली है, बात समझ में, या कौन सा डिग्री पॉलीनोमियल है इसकी डिग्री बताओ। तो ना जीरो की डिग्री है ना, हमने क्या कर रहे बता ही नहीं पा रहे थे, हम क्या कर रहे थे बता ही नहीं पा रहे थे, और जहां चीज बता ही नहीं जा सकती ना, कंफर्म नहीं होता, तो उसको हम बोल सकते हैं डिफाइन ही नहीं हो सकता, है ना, डिफाइन नहीं हो सकता, और जब डिफाइन नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या लिखेंगे, जीरो इज अ पॉलीनोमियल बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री क्या होगी, डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको ये बेस्ड ऑन डिग्री में दो टाइप हुए हैं, और टाइप्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप क्या करो, फटाफट इसे क्या कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। पहला टाइप था जीरो डिग्री पॉलीनोमियल, दूसरा टाइप है लीनियर पॉलीनोमियल, आगे चलते हैं, ठीक है। फटाफट क्या करो, आप इसको कॉपी करो। नेक्स्ट है थर्ड है, अब क्या ना, हम लोगों ने कहां से कट किए थे, यहां से कट, अभी यहां से कट करते हैं ना, यहां से कट के उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p ऑफ x इक्वल टू a2 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, है ना। तो इस पॉलीनोमियल को क्या बोला जाएगा, इसकी डिग्री क्या है, हैविंग डिग्री, है ना, दोस पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2 है, हैविंग डिग्री 2, दोस पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बहुत ही जबरदस्त पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका ना बिल्कुल नाम जो है ना प्रचलित है पूरा युगों में ना, ये बिल्कुल अपनी जो प्रतिमा है लेकिन छाया हुआ है ना बिल्कुल, बात समझ में ये बिल्कुल है ना, आप कहीं भी जाओ क्वाड्रेटिक के बारे में आप सुनोगे ना, बहुत एक इलेवन का एक लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, तो क्या है, अरे हम अभी टेंथ क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से एक लेसन ही पढ़ने वाले हैं, इलेवन में तो पूरा चैप्टर है पूरा, बात समझ में, तो क्वाड्रेटिक की ना बहुत ही महिमा है। तो ये जो है सर, तो ये जो पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, हाँ बिल्कुल, अब इसको ये बस सूरत दिख रहा है, इसको सुंदर बना लेते हैं ना, सुंदर बना लेते हैं, तो फॉर्म है ना, फॉर्म जो आएगा तो फॉर्म क्या आ जाएगी, p ऑफ x इक्वल टू, बहुत ही सुंदर फॉर्म ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म हो गया। अच्छा एक और बात समझो, ए ना जीरो नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार ना मैंने क्या बताया था, जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जब हमने जो कांस्टेंट पॉलीनोमियल जो बात की थे, तो वहां भी आप क्या लिख लेना कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, वहां भी आप लिख लेना
ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल में ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों? अगर ए जीरो रख देंगे वो पॉलीनोमियल तो होगा बट उसकी डिग्री क्या होगी? डिफाइंड नहीं होगी। उसी प्रकार लीनियर पॉलीनोमियल में भी आप लोग लिख देना, जो जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म क्या था लीनियर पॉलीनोमियल का, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और बाजू में लिख देना ए नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज क्यों, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, है ना, जो लीनियर है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो देगा, लीनियर नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे ए की जगह जीरो रख दूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये हमें लीनियर बन जाएगा। यानी जिस दिन ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी उस दिन क्वाड्रेटिक अपनी पहचान खो देगा और दूसरे की पहचान ले लेगा। बात समझ में? देयरफॉर इट इज नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? बात समझ में आ गई, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और बहुत ही काम की बात है ना, बहुत ही काम की बात है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जनरल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पे एबीसी क्या होनी चाहिए, रियल हो, तो पता ही ना आपको, तो ये तो रियल होते हैं, है ना, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, हमको जानना है कौन से पॉलीनोमियल को क्या बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर का, आप समझ गए होंगे, अब यहां से कट कर देंगे ना, यहां से कट कर देंगे तो फोर्थ नंबर का जो पॉलीनोमियल आएगा, है ना, उसको बोला जाएगा जिसकी डिग्री कितनी आ गई, 3 आ गई, तो उसे क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। बात समझ में? क्यूबिक पॉलीनोमियल, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी हैविंग 3 डिग्री, जिसकी क्या हो, 3 डिग्री हो, जिसकी 3 डिग्री हो, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, उसे क्या बोला जाता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, बस पता होना चाहिए, डेफिनेशन बना लो ना, क्या दिक्कत है। दोस पॉलीनोमियल विच हैविंग डिग्री इक्वल टू 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, खत्म। अच्छा सर, हाँ ऐसा ही है, जनरल फॉर्म बताओ, जनरल है ना, जीएफ का मतलब यहाँ पे जनरल फॉर्म है ना, ठीक है, यहाँ पे जीएफ का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, आप कुछ और मत समझ लेना, ठीक है ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबिक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक ना होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ना बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका नाम बस काफी है ना, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम उतना, पर भी नेक्स्ट है, सिंपल सी बात है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो जिसकी डिग्री 4 होती है उसे कुछ ना कुछ तो बोला जाता होगा, हाँ बिल्कुल बोला जाता है, और उन्हें क्या बोला जाता है, उस बात को लिख लेते हैं, क्या बोला जाता है ना, उसे बोला जाता है हम लोग बाय क्वाड्रेटिक, ना क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक, मैं देखो ना नाम सुना रहा हूँ, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसे क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बात समझ में, इस बात को अपन क्या लिखेंगे, हैविंग डिग्री, वही बात लिख देते हैं फिर से, हैविंग डिग्री इक्वल टू 4, जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोला जाता है। इसका जनरल फॉर्म आ जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस, है ना, जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, जहां पे क्या नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको पता होना, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो, बेस्ड ऑन टर्म 3 ही टाइप के पॉलीनोमियल थे, एक टर्म वाले को मोनोमियल, सेकंड 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, थर्ड टर्म वाले को ट्राइनोमियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या था, बेस्ड ऑन डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोला जाता है, 0 डिग्री पॉलीनोमियल, है ना, या कांस्टेंट पॉलीनोमियल, जिसमें 0 तो पॉलीनोमियल है पर उसकी डिग्री क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं ना, जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसे क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक, और जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक। और डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ना, हाईएस्ट पावर
of variable in the polynomial is called degree of the polynomial, है ना? बात समझ में तो ना degree of polynomial वाला word को भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख लेते हैं ना। यहाँ पे आप बढ़िया ना इसके आगे ना ये आप कॉपी कर लोगे ना फटाफट, आप कॉपी भी करते रहो ना साथ में। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस बात को लिख ही लेते हैं लगे हाथ, क्या है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, हाइएस्ट पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? अच्छा, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं ना, एक प्यारा सा एक टेबल बना लेते हैं, है ना, ये आपको ज्यादा क्लियर देगा। ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं पॉलिनोमियल और यहां लिख लेते हैं डिग्री। ठीक है, एक दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, थ्री फोर, बस थ्री फोर काफी है। एक जैसे मान लो किसी ने लिख दिया पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, है ना, किसी ने लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल कितनी बेटा, थ्री है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। अगर किसी ने लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर सेवन, ऐसा लिख दिया, है ना, तो इसमें इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सेवन हो जाएगी। खुद ही रहा, हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे, सेवन है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, सेवन हो जाएगी। मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस टू, ऐसा लिख दिया, तो ना पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बस लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर आप इसकी डिग्री बताओ ना फटाफट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप बता दोगे ना, बिल्कुल बता दोगे। x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 2 डिवाइड बाय x 2x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ना बिल्कुल आप उतावले नहीं होना ना, बिल्कुल खुश हो जाना। अरे यार देखो यहाँ पे तो ना 6 हाईएस्ट पावर डिग्री और डिग्री ना अपन 6 लिखते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे ना नीचे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर बेटा है। कौन बेटा है, एक्स स्क्वायर बेटा है। तो पहले क्या करो, इसको आप क्या करो, सिंप्लीफाई करो ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ना ये हमें कैसे दिखाई देगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर क्यूब प्लस 2, तो ऐसा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे इसकी डिग्री 6 ना होकर आंसर क्या आएगी, 4 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे चेक की जाती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन डिग्री, इसमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसके आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स के, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ो, समझो, है ना, इसके प्रीवियस लेक्चर भी क्या करो आप देखो। ओके, थैंक यू।